नमस्कार दोस्तों, यस बैंक पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है कि आपके पास भी है यस बैंक। यस बैंक शेयर को लेकर खास रिकॉर्ड जानकर हो जाएंगे आप खुश। उसके पहले दोस्तों, आज ज़बरदस्त धमाका, दो बार प्रॉफिट यानी मॉर्निंग जो आपको कॉल दी गई थी बैंक निफ्टी की सेल की कॉल दी गई, उसमें ज़बरदस्त मुनाफा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद मार्केट चला बूम बूम बाई की तरफ, बाई की तरफ मार्केट चला दोपहर बाद, और वहां पे आपको दोस्तों कॉल दी गई बैंक निफ्टी ऑप्शन, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, चारों की चारों कॉल में ज़बरदस्त प्रॉफिट यानी कि डबल बार आपको ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में दो दो बार प्रॉफिट आपको देखने को मिला। ये देख सकते हैं दोस्तों सारी कॉल्स, बैंक निफ्टी की कॉल देख सकते हैं, सुबह ही आपको सेल की कॉल दी गई थी 10:57 पर, और सेल के टारगेट हिट देख सकते हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको हुआ। और इसी को ऑप्शन 42,000 को मैंने पीई दिया 370 से 420 के टारगेट के लिए, ये टारगेट भी हिट। उसके बाद ये इसी के साथ ही कॉल चल रही थी, सेल की कॉल जो चल रही थी, एक्सिस बैंक चल रही थी, SBI सेल की चल रही थी, कोटक बैंक चल रही, इन तीनों को दोस्तों मैंने एग्जिट करवा दिया फटाफट जब मार्केट बना बाय की तरफ। ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी के टारगेट और बैंक निफ्टी ऑप्शन के सेल के टारगेट मैंने आपको बुक करवाए। उसी के बाद देख साथ के साथ जैसे मार्केट रिवर्स यहाँ पे हुआ, तो मैंने ये सारी कॉल देख सकते हैं फटाक से आपको मैंने कोस्ट कोस्ट पे आपको ये दोस्तों एग्जिट करवा दी। और तुरंत ही देख सकते हैं 1 बजे यानी कि दोपहर बाद, जो मैंने बताया मॉर्निंग कॉल हिट हो चुकी थी, और दोपहर बाद मार्केट बाय की तरफ जैसे चलने लगा, और देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट ब्रेकआउट आ चुका था, और 1:31 पर देख सकते हैं अगेन लिखा है अगेन बैंक निफ्टी, यानी कि दो बार, यानी कि ग्रुप का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जहां टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ मैंने दिखा कि दो बार आज निवेशकों को यानी मेरे क्लाइंट्स को, एसएस मार्केट न्यूज के जो मेंबर्स हैं उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट आज करा ही देते हैं। तो देख सकते हैं 41,185 मैंने 200 टारगेट रखे थे, और 41,920 के टारगेट के पूरे टारगेट 41,920 पूरा कंप्लीट करता हुआ, और 41,400 की कॉल 347 से 465 के टारगेट के लिए रखे थे, ये पूरा कंप्लीट पे 465 छोड़ो 500 प्लस निकला था, ज़बरदस्त मुनाफा इसमें। इंडसइंड बैंक की कॉल जो मैंने रखी थी 1,080 से 1,092 के टारगेट के लिए, 1,092 छोड़ो ये 211 प्लस निकला है, ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 894 से रखे थे 900, तो 900 प्लस टारगेट दोस्तों इसका भी निकला है। तो सारे कॉल्स में देख सकते हैं ज़बरदस्त मुनाफा, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है डबल डबल धमाका पावर ऑफ एसएस मार्केट न्यूज, मॉर्निंग कॉल्स के टारगेट, सेल के टारगेट सक्सेसफुल, आफ्टरनून में बाई कॉल्स के टारगेट सक्सेसफुल। तो दोस्तों ये सारी कॉल्स भी आप भी पा सकते हैं, एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही आपको ऐड कर लिया जाएगा। नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे 7689871065 ही नंबर है दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप हाइल के और एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, और यही कॉल दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों मैं ट्रेलर जिसे कहते हैं फिल्म, यहाँ पे दोस्तों फिल्म चलती है, और वहाँ पे दोस्तों चलता है ट्रेलर, जो लोग जिसको डेमो कहते हैं दोस्तों, मैं डेमो नहीं मानता, मैं आपको बिल्कुल श्योर कॉल यहाँ पे देता हूँ, और वो परफेक्ट देता हूँ जब मूड करता है, जब भी यानी कि टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ट्रेलर वहाँ पे देता हूँ, श्योर कॉल देता हूँ। चलिए वो आपको वो भी कॉल आपको दिखा देता हूँ, यहीं से कॉपी करके वो कॉल में देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी की कॉल, वही कॉल दोस्तों मैंने जो सुबह कॉल दी थी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मेरा मेन ग्रुप है वहाँ से, देखते टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री ग्रुप है एसएस मार्केट न्यूज़ का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ट्रेलर यानी कि जिसको लोग डेमो मानते हैं वहाँ पे दिया जाता है, ट्रेलर यहाँ पे दिखाया जाता है, और वहाँ पे आपको जो फिल्म वहाँ पे जो बची रहती है पूरी कॉल्स वहाँ पे मिलती है, सारी कॉल्स बैंक निफ्टी की। यहाँ पे जो कॉल वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे थी, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे दिया, देख सकते हैं वही कॉल सेम टू सेम, कोई यहाँ पे कोई किसी पॉइंट का और टाइम का कोई अंतर नहीं आएगा, टाइम का यानी कि 1-2 सेकंड का अंतर आ सकता है, क्योंकि वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैंने डाली है, और वही देख सकते हैं यहाँ पे इसको टारगेट, यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल। कोटक बैंक वहाँ पे दी थी, तो कोटक में यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको एग्जिट करवा दिया, यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल। उसके बाद आप आ जाइए बाई की कुल की तरफ, बाई की कुल दोस्तों मैंने जो दी थी ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है लाइफ टाइम। आप दूसरे तरीके से दो दो गाइडलाइंस के तहत, तीन तीन गाइडलाइंस के तहत आप दोस्तों ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप आइए, वहाँ पर हाई लिख के छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर नहीं आना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे फ्री में ज्वाइन करके फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आना चाहते हैं, वहाँ पे पूरी कॉल्स पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया आप स्टॉक का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन करवा लीजिए, स्क्रीन शॉट मुझे भेज दीजिए। अगर आप महीने में 2-4 ट्रेडिंग भी इस आप स्टॉक अकाउंट में करते तो आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस आपको दे दी जाएगी। ये भी दोस्तों आपके ये भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हाई लिख के भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया गाइडलाइंस किस प्रकार आपको करनी है। ये देख सकते हैं कोटक बैंक के बाद अगेन बैंक निफ्टी, वही कॉल जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं, यहाँ पे
पे, क्योंकि मैं दोस्तों जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जब कॉल दिए, चलो ठीक है दो बार आज टेलीग्राम पे भी दे देते हैं, वही कॉल कॉपी करके यहाँ पे मैंने दी और वही देखते आईसीआईसीआई बैंक की कॉल मैंने यहाँ पे छोड़ दी, दो कॉल यहाँ पे मैंने छोड़ दी, यानी कि आज यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे तीन कॉल दी और वहाँ पे मैंने दे दी सात कॉल। तो ये दोस्तों फ़र्क आपको थोड़ा दिखता है कि अभी फ्री भी फ्री में मिल रही है, वहाँ पे दोस्तों जो लोग कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके मिल रहे थे उनको मिलेगा ही ज़्यादा। देख सकते यहाँ पे सात कॉल की 100% की एक्यूरेसी, यहाँ पे जो तीन कॉल है इन तीनों कॉल की 100% की एक्यूरेसी, तो ज़बरदस्त दोस्तों प्रॉफिट ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। दोस्तों ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ऐड कर लिया जाएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मैंने टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों यहाँ पे देखो पोस्ट किया है समझने के लिए किस प्रकार मार्केट यहाँ पे भागा, देख सकते किस प्रकार मार्केट यहाँ पे भागता ही नजर आ रहा है, भागता नजर आ रहा है, भाग ही रहा है, देख सकते मार्केट है। तो दोस्तों ये होता टेक्निकल चार्ट का पावर और एनालिसिस। चलिए दोस्तों मैं यस बैंक की खबर की तरफ चलता हूँ। यस बैंक में ऐसी क्या खबर आई है जिसके चलते खुशखबरी का माहौल छाया हुआ है। वापस दोस्तों खबर की तरफ अपन आ चुके हैं, तो खबर इसको मैं फटाफट कवर कर लेता हूं क्योंकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यस बैंक से कुछ समय भले ही निवेशकों को रुलाया हो, लेकिन अब इन्हीं निवेशकों के दम पर प्राइवेट बैंक के इस बैंक ने नया रिकॉर्ड भी नाम किया है। आगे हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे क्या रिकॉर्ड नाम किया है वो आपको दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर तो यस बैंक ही है, इसी वजह से यस बैंक यहाँ पर चल नहीं रहा है। यानी कि यस बैंक ने दोस्तों जो है जो 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पर निवेशक यस बैंक में बने हुए हैं, और 50 लाख से ज़्यादा के जो है वो तो दोस्तों यानी कि TCS, SBI, HDFC बैंक किसी भी बैंक में इतने शेयरधारक नहीं है। 3 लाख से ज़्यादा तो आज इसी मार्च के अंदर यस बैंक में यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पे रिलायंस जो पावर है आर पावर है उसमें भी 237 लाख शेयर दोस्तों, यानी कि 37 लाख शेयर होल्डर्स, ठीक है 37 लाख शेयर होल्डर्स जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। 37 लाख शेयर होल्डर शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 37 लाख शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना शेयर होल्डर्स की। तो इसी वजह से शेयर में दोस्तों ज़्यादा उछाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक जो निवेशक है वो इसमें यानी कि निवेश करने के लिए दोस्तों उत्साहित हैं और कर रहे हैं। तो आपको बता दें एफ इसमें यानी कि रिटेल ही पीछे नहीं है, रिटेली आगे नहीं है, इसमें FII भी आगे हैं, जमकर इसमें पैसा यहाँ पे लगाया है कि FII ने भी, जिसने ज़बरदस्त यहाँ पे माल उठाया, जो कि मैं आपको बता दूँ देख सकते हैं FII की होल्डिंग देख सकते हैं FII की होल्डिंग जो 12% थी जो बढ़कर अब हो चुकी है 23%, और म्यूचुअल फंड भी देख सकते जो 24 म्यूचुअल फंड थे वो बढ़कर हो गए 26 म्यूचुअल फंड हो गए, जिनकी होल्डिंग देख सकते 0.36 से बढ़कर देख सकते हैं 0.47% इनकी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्यों बढ़ा है निवेशकों को भरोसा, क्योंकि उनको लगता है कि जल्दी इसमें टर्नओवर यहाँ पे आएगा यस बैंक के अंदर, जल्दी यहाँ पे उछाल आएगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सावधान भी आपको रहना है कि यहाँ पे RBI यानी कि 81 बॉन्ड की पे जो शून्य कीमत कर दी थी, उसके बाद देख सकते मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन यहाँ पे जो आगे क्या कह रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे जो आगे निवेशकों के पास कितने शेयर हैं वो तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है कि जो बड़े जो निवेशक हैं वो दोस्तों इसमें अपना पैसा इतना ही लगाते हैं कि मात्र वो न के बराबर, मात्र कोई 0.025% या कहें 1%, कभी कभार 1%, कभी कभार 2% से ज़्यादा कभी पैसा अपनी पूंजी का लगाते ही नहीं है, बहुत ही कम, यानी कि उनके पास जितनी संपत्ति होती है उसका बहुत ही कम पैसा लगाते हैं। और अपन क्या करते हैं उनके करोड़ों शेयर देख के, अपन देखते हैं अपने पास तो 10 लाख रुपये हैं तो अपन क्या करते हैं 10 लाख को यस बैंक ठूस देते हैं। तो ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं करना, आपके पास 10 लाख की अगर आपके पास पूरी ज़िंदगी की संपत्ति है तो आप उसमें से मात्र आप उसमें से लेके चलिए, यानी कि आप इसमें से 1% निकाल लीजिए, उसका 1% आप यहाँ पे लगाइए, ये नहीं कि आप उसमें 10 लाख में से 5 लाख लगा दे 2 लाख लगा दे, तो आप समझ लीजिए 2 लाख लगाने के मतलब आप यहाँ पे 20% ज़्यादा संपत्ति आप लगा रहे हैं, 5 लाख लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं 50% संपत्ति आप लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये आप इसको आपको सोचना होगा, बड़े निवेशक के पास अरबों खरबों के अंदर संपत्ति होती है तो फिर वहाँ पे आपको जो लाखों में दिखती है तो उनके वो परसेंटेज बहुत ही कम निकल के आता है, तो आपको फिर वहाँ पे आपके लाखों में है तो आप उसकी जो क्वांटिटी आप हज़ारों में कर लीजिए, सैकड़ों में कर लीजिए तो वो बेहतर होगा। तो यस बैंक का दोस्तों जो है यूटर्न जो आपको यहाँ पे मैंने बताया है टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको मैं बता सकता हूँ इसका यस बैंक के जो यूटर्न कब यहाँ पे निकल के आने वाला है। सबसे पहले यस बैंक की आज की पिक्चर यहाँ पे जान लेते हैं कि आज इसमें क्या घटा है क्या नहीं घटा है। इसमें इसकी जो ओपनिंग होती है जो 15.50 की इसकी ओपनिंग होती है, उसके बाद इसका जो लो होता है 15.20 किसका लो होता है, इसका हाई होता है जो 15.55 किसका लो हाई होता है, और इसकी जो क्लोजिंग जो आती है एडजस्टिंग जो क्लोजिंग आती है उसकी होती है वो 15.35 किसकी क्लोजिंग है,
और उसके बाद इसमें दोस्तों जो अभी सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं वो 7,84,000 लगभग इसकी सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। और आज इसमें जो ट्रेडिंग जो वॉल्यूम हुआ था वो लगभग 7.5 करोड़ के लगभग इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, जो कि डेली की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है। चले ये तो हो गई यस बैंक की ये बात है, जो वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं और इसका टेक्निकल चार्ट के माध्यम से दोस्तों आपको मैं पूरी जानकारी ये देखिए दोस्तों यस बैंक का सारा पूरा जो टेक्निकल चार्ट वो मेरे यहाँ सामने यहाँ पे आ चुका है। और इसका जो मैंने 25 रुपये का जो टारगेट दिया था 24.75 के मैंने यहाँ पे बता दिया था कि 24 रुपये 30 पैसे से मैंने इसकी प्रॉफिट बुकिंग कराना स्टार्ट कर दिया था कि आप इसको बुक कर सकते हैं वापस एक बार यस बैंक आपको लौटता हुआ नजर आएगा। और ये टारगेट मैंने 14 रुपये से दी थे 25 के टारगेट, वो आपको अचीव करके वापस यहाँ पे लौटता हुआ नजर आया। सारी फिल्म दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्लियर है, देख सकते हैं यस बैंक ने पहले भी 22 रुपये का रेजिस्टेंस लिया था, बाद में नीचे घूम के एक इसने रेंज बनाई थी और रेंज ये दो साल यहाँ इस रेंज में इसको निकाल दिया, 2 साल नहीं 3 साल इसी रेंज में निकाल दिया, वापस से इसी रेंज में टारगेट देके वापस इसी रेंज में ये आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जो इसका इंपॉर्टेंट जो लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए वो तो निकल के आ रहा है 20 रुपये का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। जैसे 20 रुपये के ऊपर इसकी देख सकते जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हैं ये इसी और ये चैनल तो बिल्कुल देख सकते हैं नीचे की साइड बना हुआ है और इस चैनल से बाहर भी आएगा 20 के ऊपर क्लोजिंग देखा तो इसके बाहर भी आएगा और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो निकाली दे रहा है उसको भी ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे 20 को ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आना स्टार्ट होती है तो दोबारा से फिर ये नीचे आने की इसके कम ही चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग है वो तेज आने की उम्मीद है। वापस इसमें जो 20 के बाद जो इसके टारगेट जो दिखाई देंगे इस बार 25 का नहीं होगा, इस बार जो इसका टारगेट दिखाई होगा 20 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर टारगेट दोस्तों आपको यहाँ पे 30 के ऊपर भी जाते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 20 के लगभग भी जाने के लिए क्या इसको करना पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दूँ, ताकि पिछले सारा जो टेक्निकल चार्ट है उसको मैंने कर दिया है गायब। अब अपन चलते हैं अभी नज़दीकी लेवल के लिए 20 के लिए। तो 20 के लिए दोस्तों इसको सिर्फ 16 का लेवल ही निकालना होगा, देख सकते हैं इसने एक रेंज बनाई है। ये जो एक ये देखते मदर जो कैंडल बनी है ये कैंडल दोस्तों बनी है 13 मार्च की, इसको याद रखिए 13 मार्च को क्या हुआ था अनलॉक हुए थे सारे शेयर, यस बैंक सारे शेयर अनलॉक हुए थे और इसमें तब ज़बरदस्त वॉल्यूम भी आया था क्योंकि लोगों को लगा कि SBI तो शेयर होल्डर सारी होल्डिंग खाली कर देगा तो यहाँ पे माल फटाफट बेचते हुए नजर आए। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप यहाँ पे क्या हुआ था गैप डाउन हुआ था तो लोग तो बेच दिए ऑर्डर लगा दी सेल की, यानी कि 9.97 पे सेल के ऑर्डर लगा दिए और ओपनिंग यहाँ पे हुई और यस बैंक क्या हुआ यहाँ से सारे माल खरीद कर जो बड़े निवेशक हैं खरीद कर ऊपर आके इसने क्लोजिंग दे दी। और देख सकते हैं अभी तक उस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है, अभी तक उस लो को इसने क्या नहीं किया है ब्रेक नहीं किया है और ना ही उसी दिन के इसके हाई को इसने ये क्या किया है ब्रेक नहीं किया है। तो दोनों तरफ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ये है ये मदर कैंडल के अंदर अभी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद 13 मार्च की मदर कैंडल बनी थी और दोस्तों आज हो गया 13 मार्च, तो आप देख सकते हैं पूरा एक मंथ इसी मदर कैंडल के अंदर इसने क्या किया है ट्रेड किया, सारी कैंडल देख सकते हैं इसी मदर कैंडल के अंदर इसे बनी हुई है। जैसे ये मदर कैंडल यानी कि इसके बाहर निकलेगा यानी कि 16.20 के बाहर यस बैंक अगर निकलता है तो आपको डेफिनेटली दोस्तों ये 20 के टारगेट भी आपको दे के ही जाएगा, डेफिनेटली 99% के दोस्तों यहाँ पे पूरी चांसेज हैं, 1% कोई बैड न्यूज आ जाए तो कह नहीं सकते। बाकी ये डेफिनेटली आपके यहाँ जो टारगेट है जो 20 की जो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे देख सकते बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये टारगेट। थोड़ा सा मैं टेक्निकल चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारे टारगेट आपको दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों 20 की जो टारगेट है बिल्कुल साफ यहाँ पे दिखाई, जैसे इस रेंज को बाहर निकलेगा तो यस बैंक आपको दोस्तों यहाँ पे 20 की जो टारगेट है ये गैप अप फिल करने के लिए भी आएगा और यहाँ रेंज से बाहर निकलेगा और यहाँ पे 20 के टारगेट देकर फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया 20 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जब ये 3-4 दिन टिकेगा ना तब जाके फिर 30 के टारगेट आए हैं। तो 30 के टारगेट कब आएंगे वो आपको मैंने बता दिया है और 20 के टारगेट कब आए हैं वो भी दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह समझा दी है आसान बाजों में। आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरा वीडियो आप समझ चुके हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो समझ चुके हैं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्ट बार विजिट किया है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर रखा है तो क्लिक जरूर कीजिए बेल आइकन पर और चैनल सब्सक्राइब तभी कर डाली है। दोस्तों अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करती है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।